रुधि संस्फुरात्मतत्व सच्चित् सुखम् परमहंस गतिम् तुरीयम् यत् स्वप्न जागर सुषुप्त भवैति नित्यम् तद् ब्रह्म निष्कलमहम् न च भूतसंगा। अर्थ कळला का? प्रातर नमामि, मैं सवेरे उठ करके नमस्कार करता हूँ। हृदि संस्फुरात्म तत्व, हृदय में स्फुरन पाने वाले उस तत्व, कौन सा तत्व है? डिवाइन लव। उस तत्व को मैं याद करता हूँ, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रातर नमामि हृदि संस्फुरात्म तत्व सच्चित् सुखम्, सच्चित् सुखम्, जो सत्य है, चित है और सुख है। परमहंस गतिम तुरीयम, तुरीय दशा उसे कहते हैं जिसमें आप आ गए। पार होने का मतलब है तुरीया, आप उस दशा में आ गए हैं, परमहंस गति की दशा में आ गए। परमहंस गतिम तुरीयम, उस दशा का, उस अवस्था का मैं नमस्कार करता हूँ। अभी तो जो आए नहीं वो गा रहे हैं, लेकिन आप आ चुके। प्रातर नमामि हृदि संस्फुरादतत्व सच्चित् सुखम् परमहंस गतिम् तुरीयम् यत् स्वप्न जागर, जो स्वप्न जागर, स्वप्न में जागृत अवस्था में सुषुप्ति मवैति नित्यम्, सुषुप्ति अवस्था में सब में नित्य रहता है। चाहे आप जागते रहें, चाहे आप सोते रहें, चाहे आप सबकॉन्शियस से रहें, सुषुप्ति माने सबकॉन्शियस में, और उसे भी अनकॉन्शियस में रहें, जहाँ वो नित्य रहता है। यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम् तत् ब्रह्म निष्कलमः, वो अलेपा, वो निर्लेप ब्रह्म मैं हूँ। न च भूत संघ, मैं ये जो भूत संघ है, भूत संघ माने पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर मन बुद्धि जो है वो मैं नहीं, लेकिन वो ब्रह्म है जो नित्य अविनाशी हमेशा हर स्थिति में रहता है। इस श्लोक को याद कर लेना चाहते हैं। प्रातर नमामि हृदि संस्फुरात्म तत्व सच्चित् सुखम् परमहंस गतिम् तुरीयम् यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम् तद् ब्रह्म निष्कलमहम् न च भूत संघः। ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है कि हम वो हैं जो निर्लेप निरंजन निराकार ब्रह्म है। हम ये जो भूत संघ है, जो पंच महाभूत मिलकर के उनके संघात से बना हुआ, जो बाहर का ढकोसला है वो नहीं, जो अविनाशी अंदर विराजता है वही हम हैं। ये तभी होगा जब हमारा चित्त उसमें बैठे। चित्त तो वहां बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया है, किंतु वो चित्त अभी भी बाहर की ओर दृष्टि की हो, उसे जैसे आप अंदर की ओर दृष्टि कर लेंगे, आप परमहंस गति के दशा में बैठे हैं, उस गति पर हैं, आपको बिठा दिया है उस गति पर कि आप परमहंस हैं। लेकिन परमहंस को अपने जो कीचड़ से लदे हुए पैर हैं उन्हें साफ करके और अपने आसन पे उस इज्जत के साथ बैठ जाना चाहिए जैसे कि कोई राजा अभिषेक के बाद बैठ जाए।